उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। भैंस के व्यापारी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आपको बताते चलें कि बछावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भैंस के व्यापारी को धारदार हथियार से हमला किया गया, जो गंभीर रूप से घायल हो गया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने के कारण लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया कि घायल के भाई की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार थुलंडी का रहने वाला इल्लन उफ इब्राहिम पुत्र लल्लन कुरेशी भैंस खरीदने के लिए कुवेरी खेड़ा मजरे राजा मुंह गया था, जहां पर रोहित कुमार पुत्र राम सजीवन निवासी कुबेरी खेड़ा मजरे राजा महू ने गांव के बाहर खेतों में भैंस चराते वक्त उस पर हमला कर दिया, जहां सुनसान जगह पर रोहित कुमार धारदार हथियार को लेकर बैठा हुआ था और उसने उसके सिर पर हमला कर दिया, जिससे गंभीर चोट आई है। इस संबंध में हल्का इंचार्ज अनिल कुमार यादव ने बताया कि घायल के भाई अल्लन की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायबरेली की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।